कम सैलरी में ज्यादा पर्सनल लोन अमाउंट कैसे मिलेगा। दोस्तों आप में से काफी सारे लोगों का कमेंट आ रहा था, मैंने काफी पहले एक वीडियो भी बनाई थी कि कैसे जो है आप कम सैलरी में ज्यादा पर्सनल लोन ले सकते हैं। देखिए दोस्तों, ज्यादा वीडियो को लंबा ना बनाते हुए, आप जानते हैं कि दो तरीके से लोन लिया जा सकता है, या तो एजेंट के थ्रू ले लो या आप जो है खुद अप्लाई करो। एजेंट करते क्या है, अगर वही तरीका आप भी अपनाएंगे तो उस केस में आपको भी जो अगर लोन की रिक्वायरमेंट 2 लाख की है और आपकी एलिजिबिलिटी नहीं बन पा रही है, एक बैंक आपको 1 ही लाख देने के लिए रेडी है, तो कैसे जो है आप अपने एलिजिबिलिटी को बढ़ा सकते हैं। देखिए एजेंट करते क्या है और हम लोग क्या गलती करते हैं पहले वो समझते हैं। देखिए अगर आपकी सैलरी 20 से 25 या 25 से 30 के बीच में है और आपके पास क्रेडिट कार्ड भी है और 2-3 EMIs या कंज्यूमर लोन आपके ऑलरेडी जा रहे हैं, तो उस केस में कभी भी आपको पर्सनल लोन की रिक्वायरमेंट मान के चलिए ज्यादा अमाउंट की है, तो कभी भी अलग अलग बैंक में एक एक करके अप्लाई मत कीजिए। मतलब ऑनलाइन हम लोग जाते हैं, डिटेल फिल करते हैं और डायरेक्टली जो है देखते हैं कि ये रिजेक्ट हो गया, फिर दूसरी जगह अप्लाई करते हैं। तो इससे क्या होगा कि आपके क्रेडिट रिपोर्ट पे इंक्वायरीज तो बढ़ेगी, साथ ही साथ क्रेडिट स्कोर भी कम होगा। बार बार जो है अप्लाई करने से आपका क्रेडिट स्कोर कम होगा और एलिजिबिलिटी जो है कम होती चली जाएगी। तो इसलिए जो है आपको क्या करना है कि जब भी आपको पर्सनल लोन की खासकर रिक्वायरमेंट पड़ती है तो 2 सेट बना लेना है। 2 सेट मतलब कि 3 महीने की बैंकिंग स्टेटमेंट या 6 महीने की बैंकिंग स्टेटमेंट, 3 महीने की सैलरी स्लिप, पैन कार्ड, आधार कार्ड, फोटो आपने एक बना लिया, 2 सेट रेडी कर लिए। एजेंट भी यही करते हैं। एजेंट क्या करते हैं आपके साथ कि जब आपसे वो चार्ज लेते हैं 20,000-25,000 या 1% लेते हैं या 2% लेते हैं आपके लोन अमाउंट का, तो क्या करते हैं कि आपकी फाइल सेम डे में 2-3 जगह पे लॉगिन करवाते हैं बैंकों में, और उससे क्या होता है कि एक जगह से अप्रूव्ड होता है, दूसरे जगह से भी अप्रूव्ड हो जाता है, तीसरे जगह से भी अप्रूव्ड हो जाता है। मान के चलिए 3 बैंक से 1-1 लाख रुपए की जो है अप्रूवल आ गई, तो उस केस में आपको जहां पर 2 लाख की रिक्वायरमेंट थी वहां पर आपको 3 लाख की एलिजिबिलिटी बन गई। तो आपको क्या करना है कि जब भी आपकी सैलरी इतनी है, क्रेडिट स्कोर भी आपका ठीक है, तो बैंक में जाके सबसे पहले यह कंफर्म करना है कि आपकी कंपनी लिस्टेड है कि नहीं। काफी बार ऐसा होता है कि अगर आपकी सैलरी कम होती है और बैंक वाले जब आपका लोन एप्लीकेशन देखते हैं तो पता चलता है कि वो कंपनी लिस्टेड नहीं है, लोन नहीं दे पाएंगे, रिजेक्ट हो जाता है, लॉगिन करके छोड़ देते हैं, तो इससे इंक्वायरी भी एक ऐड हो जाती है। तो आपको क्या करना है कि 2 बैंक ऐसे चुनने हैं जिसमें लगता है कि आपको चांसेस है लोन मिलने का। कहने का मतलब बैंक पर जाके ये पता कीजिए कि आपकी जो कंपनी है वो पहले लिस्टेड है कि नहीं। जब भी आप ऑनलाइन फॉर्म फिल करते होंगे आपने देखा होगा, जब आप एम्प्लॉयमेंट मतलब डालते हैं, अपना डिटेल डालते हैं, वहां पर आपको कंपनी नेम लिखने के लिए बोलता है, तो कंपनी नेम में काफी सारी कंपनीज आ जाती है, काफी सारी कंपनीज आ जाती है। अगर वो आपका कंपनी वहां पर दिख रहा है तो जाहिर सी बात है कि वहां पर लोन मिलने के चांसेस ज्यादा है, कम सैलरी की बात कर रहा हूं। तो वहां पर जब आप देख लेते हैं कि हाँ इतनी सैलरी है, कंपनी भी लिस्टेड है, सब कुछ ओके, देन एक सेट करके वहां पर लॉगिन कर देना है। मतलब एक ही टाइम में, एक ही दिन के अंदर 2 बैंकों में फाइल आपको डालनी है। इससे क्या होगा कि अगर मान के चलिए लॉगिन होता भी है तो सेम डे में ही जो है वो लॉगिन हो जाएगा। इससे जो है बैंक को भी नहीं पता चलेगा कि पास्ट में आपने कहीं लॉगिन किया है कि नहीं, या पास्ट में जो इंक्वायरी में दिख जाता है कि आपने लास्ट टाइम कहां कहां इंक्वायरी की थी पर्सनल लोन के लिए। अगर सेम डे में लॉगिन होगा तो ये पता करना मुश्किल है कि आपने पास्ट में जो है कहां कहां लॉगिन किया था। अब इससे क्या होगा दोस्तों कि जब आप लॉगिन करवा लेंगे, जो फाइल आपकी लॉगिन हो जाएगी, तो उस केस में मान के चलिए HDFC आपको 2 लाख का दे रहा है लोन और बैंक आपको, दूसरे बैंक जो है आपको SBI मान के चलिए 2 लाख का वो भी दे रहा है, तो इस केस से क्या होगा कि आपकी जो 2 लाख रुपए आपको मिलने वाले थे वो 4 मिलेंगे। तो इससे क्या होता है दोस्तों कि एक तो एजेंट का फालतू का आपको पैसा देने का जरूरत नहीं है, आपने फाइल सेट किया, आपने तैयार किया, बैंक में बस इतना ध्यान रखना है कि जब आपका अमाउंट डिसबर्स हो तो वो जो है सेम डे हो, क्योंकि काफी बार ऐसा भी होता है कि जब डिसबर्स करने का टाइम होता है तो बैंक आपसे जो है आपके बैंकिंग स्टेटमेंट मांग लेती है, तो बैंकिंग स्टेटमेंट ना देना पड़े या कुछ ऐसा गड़बड़ ना हो, बैंकिंग स्टेटमेंट अगर मांग भी लेती है तो ऐसा ना हो कि उसमें उसको दिखे कि हाँ इस जगह से भी लोन लिया गया है, तो इसलिए जो है आप सेम डे में जो है उसको डिसबर्स करा ले, सेम डे में अकाउंट में वो पैसा ले ले। इसमें कुछ ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, एजेंट भी यही करते हैं। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि कोई भी 2-3 बैंक आपको ऐसे पकड़ने जिसमें एलिजिबिलिटी आपकी बन रही हो, लोन लेने के चांसेस हो। अब मान के चलिए कि आप एक एक बैंक में जा के अप्लाई करते रहेंगे तो क्रेडिट में जो है आपके क्रेडिट रिपोर्ट में इंक्वायरीज तो बढ़ेगी लेकिन लोन लेने के चांसेस कम होते चले जाएंगे। इसलिए जो है आप सीधे जो है पहले ये कंफर्म कर लें कि किस बैंक में एलिजिबिलिटी बन रही है। हर बैंक में 2 लाख की रिक्वायरमेंट डाल दे, मान के चलिए आपको 2 लाख रुपए चाहिए और 1 लाख की एलिजिबिलिटी बन रही है, तो 2-2 बैंक में जो है आप 150-150 का डाल दीजिए फाइल।
अप्रूवल आने के बाद वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितना रिक्वायरमेंट है, कितना आप लेंगे। मान के चले 2 लाख की एलिजिबिलिटी आ गई, 2 लाख का जो है आपको मिल रहा है, तब 150 कह दीजिए कि 150 मेरे को चाहिए, 1 लाख रुपए आप ले सकते हैं। तो यहां पर यही है मोरल ऑफ द स्टोरी कि अगर आपको ज्यादा की रिक्वायरमेंट है तो थोड़ा स्मार्टली वर्क करना पड़ेगा। आपको वो 2-3 बैंक सेलेक्ट करने होंगे और एक बैंक को दूसरे बैंक के बारे में नहीं बताना कि मैंने यहाँ पर भी अप्लाई किया हुआ है। मतलब जो है आपको सेफली काम करना होगा। और ऐसे भी कोई क्राइम नहीं कर रहे हैं आप, आपको लोन की रिक्वायरमेंट है ज़्यादा, तो जाहिर सी बात अगर एक जगह से आपको मिल भी रहा है या दूसरे जगह से भी आपको मिल रहा है तो फाइनली जो है आप ही का काम हो रहा है पूरा। अगर आपको तो भी समझ में नहीं आता है, कोई भी दिक्कत होती है, तो आप वीडियो के नीचे कमेंट जरूर करना या इंस्टाग्राम पर फॉलो जरूर करना। मैं 110% जहाँ तक हो सकेगा रिप्लाई करूँगा। और कम सैलरी अगर है तो उस केस में कंपनी लिस्टेड है कि नहीं ये देखना जरूरी है। अगर आपकी सैलरी 30-35-40 हज़ार तक है, 40 हज़ार से ऊपर है, तो काफ़ी बार जो है बैंक आपकी कंपनी लिस्टेड है कि नहीं वो देखती नहीं है। वो सिंपली देखती है आपका क्रेडिट स्कोर क्या है, आपके कितने लोन अभी करंट में चल रहे हैं, उसके बाद जो है वो आपको लोन दे देती है। इसके अलावा कोई डाउट हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।